इस सवाल को देखिए, ये सवाल ऑलमोस्ट सारे एग्जाम में आए हुए हैं और ये नया ट्रेंड है, प्रत्याशित भी है। और लेकिन इसका जवाब केवल इतने में हो जाता है, दूसरों के बारे में नहीं बोलूंगा, पता नहीं उसे क्यों इतिहास बचान बनाते हैं। देखिए पढ़ते हैं, चलिए। 3 पाइप एक्स वाई और जेड एक टंकी से जुड़े हुए हैं, नलों से पानी का प्रवाह। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी प्रवाह, पानी का स्पीड की, प्रवाह की दर मतलब पानी बहने की स्पीड। देखो 44 लीटर प्रति घंटा है, 55 लीटर प्रति घंटा है और 49 लीटर प्रति घंटा है। ध्यान देना, यहां स्पीड की बात की गई है, पानी बहने की स्पीड। तो ये समय और काम के तरीके से टंकी और इसका जो करते हैं वैसे करने में ये लंबा इतिहास बनता है, बल्कि इसे बड़े आराम से किया जा सकता है। देखो पाइप एक्स और वाई टंकी भरते हैं, क्या स्पीड है भैया? ये 1 घंटे में एक पाइप 44 लीटर भरता है, दूसरा पाइप जो है 1 घंटे में 55 लीटर है, हम जोड़ देते हैं 44 प्लस 55, जबकि पाइप जेड टंकी को खाली करता है और पाइप जो है जेड जो है उसकी 49 लीटर प्रति घंटा, तो उसको घटा देते हैं। ये भरता था प्लस किया, ये घटाता कम करता है तो हमने गलत लिया, तो यह 50 लीटर क्या हुआ? देखो यहां फिर टाइपिस्ट साहब का एक मेरे लिए छोटा सा तोहफा उन्होंने दे दिया, 50 लीटर प्रति घंटा होगा। तो अब है कि पानी अल्टीमेटली जो है तीनों पाइप के कारण केवल 50 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से वो किसके अंदर जा रहा है? आपके टंकी के अंदर जा रहा है। अब बोलता है पूरी टंकी 14 घंटे में भर जाती है, तो सीधी बात है 1 घंटा में 50 लीटर अगर भरता है, 14 घंटे में क्या होगा? 50 को 14 से गुना कर दिया तो 700 लीटर हो गया। तो अति स्वाभाविक, और सबसे निवेदन है इसे हल्के से इस तरह समझे कि बार बार फॉर्मूला पे नहीं जाइए, क्योंकि वो गले का घंट बन जाता है। चलिए अब छोटा सा जो है हम ज्यामिति के सवाल करें, ज्यामिति से लोग भागते रहते हैं, लेकिन मैं इसको मिक्स करके देना चाहूंगा कि जब मन खुश होता है तो कुछ ज्यामिति भी कर लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। किसी 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, त्रिज्या क्या बोलते हैं, किसी केंद्र से परिधि तक खींचा गया लाइन उस वृत्त का त्रिज्या बोला जाता है। मतलब ओ से है, ओ से अगर मैं यहाँ पे एक नाम लिख दूं पी, तो ओपी एक त्रिज्या है, क्यों केंद्र से यहां तक पहुंची है, क्यू अगर लिख दूं तो ये भी एक त्रिज्या है, फिर ओ से ए ये भी एक त्रिज्या है, ओसी त्रिज्या नहीं है, क्यों? क्योंकि ये परिधि तक नहीं पहुंची है। तो चलिए 13 सेंटीमीटर है, मतलब कहने का मतलब ये भी 13, ये भी 13, ओ क्यू भी 13 और ओ ए तो 13 है ही है, जो उसके केंद्र से और वृत्त के एक जीवा है। जीवा का मतलब होता है वृत्त में खींची गई कोई भी रेखा, वृत्त के ऊपर कोई खींची गई कोई भी रेखा अगर केंद्र से नहीं गुजरती है, केंद्र से गुजरती है तो भी उसे जीवा भी बोलते हैं, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा होती है। तो कहने का मतलब किसी परिधि के को अगर किसी लाइन से जोड़ते हैं तो इस वृत्त खंड को जो है इसको चाप बोलते हैं और इस लाइन को जो है जीवा बोलते हैं, जो वृत्त से उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी है। जब भी दूरी बोला जाता है तो लंबवत दूरी, मतलब यहां से जो यहां है ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा, इसके लिए ही इसे लंबवत दूरी बोला जाता है, या हम इसे बोलते हैं केंद्र से दूरी। तो उसकी लंबाई क्या होगी, मतलब किस इस जीवा की लंबाई क्या होगी पूछा है। देखो यहां पे 12 सेंटीमीटर हमें मिल गया है, यहां 13 सेंटीमीटर मिल गया है, और हम जानते हैं वृत्त के केंद्र से किसी जीवा पर अगर कोई लंब खींचा जाता है, फिर से दोहराता हूं, वृत्त के केंद्र से उसके लंब पर अगर कोई रेखा खींचा जाता है तो वो रेखा उस जीवा को
दो भाग में बांटता है, मतलब ये बराबर जो है ये होगा। हमने ये भी समझ लिया। अब देखो ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, मतलब एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज को अति सरल रूप से पाइथागोरस फॉर्मूला में समझाया जाता है, और वो क्या है, हमें देखो AC निकालना है, तो वो है कर्ण का स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं कर्ण, माइनस लंब का स्क्वायर, इसे क्या बोलते हैं लंब, थोड़ा देर पहले बोला, और उसको अगर रूट ओवर करते हैं तो वो बराबर होगा आधार के, मतलब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर होता है। ये तो बड़ा सिंपल है यार। तो फिर देखो मैंने यहां रूट, चूंकि हमें आधार का स्क्वायर नहीं निकालना है, आधार वर्गमूल निकालना है, इसके लिए हम पहले हम इसको एक ऊपर टोपी पहना दिए वर्गमूल की, फिर 13 का केंद्र, केंद्र ये क्या कहते हैं तुम्हारा कर्ण का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर लिखा, माइनस 12 का स्क्वायर लिखा, मतलब लंब का स्क्वायर लिखा, ये बड़ा, और उसको रूट ओवर कर दिया तो ये आधार निकल जाएगा। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, घटाते हैं तो वर्गमूल 25 होता है, तो ये लंबाई 5 होता है। अब देखो यहाँ 5 लिख के मैंने जान के छोड़ दिया, तो AC बराबर 5 है, तो हमें जीवा मांगा है पूरा AB, तो हमें क्या करना होगा, इस 5 को फिर 2 से गुणा करना होगा, और बराबर क्या निकलेगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फिर ये आंसर आपका 10 में हम टिक मारेंगे। मैं मानता हूं जिनको क्या कहते हैं ज्यामिति नहीं आती है उनके लिए थोड़ा सा वीक है, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन एक बात तो सच्चाई है, ये भी जानते हैं जब हम शुरू करेंगे तभी तो कोई चीज समाप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट मैथ पे चलते हैं।